दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रेन में कितनी तरह की ऑयल हम यूज करते हैं और कौन कौन सा ऑयल है और उसका क्या नंबर है, कौन सा नंबर का ऑयल हम इसमें डालते हैं और ये कितने घंटे चलता है, कितने घंटे के बाद इसको चेंज करना चाहिए या कितने दिन के बाद चेंज करना चाहिए। तो इसका पूरा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये पूरा ऑयल्स के बारे में आप जानकारी ज़रूर लीजिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि क्रेन से रिलेटिव कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो 100 टन में कितना लीटर पड़ता है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। और आपका अगर क्रेन अगर 25 टन है, 50 टन है, 100, 200, 500, 1000 ऐसा अगर बड़ा क्रेन है, छोटा क्रेन है तो उसका अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो अलग अलग कैपेसिटी उसके क्रेन का, उसका टैंक में कितना कैपेसिटी होती है टैंक में ऑयल भरने का, उसके हिसाब से हम लोग ऑयल भरते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ 100 टन के बारे में बता रहा हूँ तो मतलब इससे ये नॉलेज मिल जाता है कि हमें कितने घंटे पे चेंज करना चाहिए, कौन से नंबर का ऑयल डालना चाहिए, तो इससे ये नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अलग अलग क्रेन की अलग अलग ऑयल डालने की कैपेसिटी होती है उसके टैंक के अनुसार। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन ऑयल के बारे में। तो इंजन ऑयल की कैपेसिटी इसमें है 24 लीटर का, जो इसमें इंजन ऑयल की कैपेसिटी है जिसमें से 21.5 लीटर इसके इंजन में डाला जाता है और इसका जो फिल्टर है वो फिल्टर में 2.5 लीटर डाला जाता है, यानी टोटल मिला के 24 लीटर इंजन ऑयल इसमें डाला जाता है, जो इंजन ऑयल का नंबर है 15W-40, यानी 15W-40 का इसको इंजन ऑयल कहा जाता है। और इसका जो टाइम होता है वो टाइम 250 आवर होता है, यानी 250 घंटे के बाद में इसको बदल देना चाहिए, जिसके वजह से क्रेन का जो इंजन है वो सही काम करता है और जल्दी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिफरेंशियल की। तो इसके डिफरेंशियल की जो फर्स्ट एक्सल है, जो पहला एक्सल है, उसकी कैपेसिटी 17 लीटर है, यानी 17 लीटर का इसका डिफरेंशियल है पहला वाला। उसके बाद में इसका जो दूसरा डिफरेंशियल है उसका कैपेसिटी है 20 लीटर, यानी 20 लीटर का इसका दूसरा एक्सल है। और इसका जो तीसरा एक्सल है उसका कैपेसिटी है 20 लीटर, यानी 20 लीटर का तीसरा इसका डिफरेंशियल है। और चौथा जो है उसका कैपेसिटी है 17 लीटर, यानी 17 लीटर, यानी 17 लीटर का इसका चौथा डिफरेंशियल है। और इसमें जो हम ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल का नंबर है 80W-90, यानी 80W-90 नंबर का हम लोग ऑयल इसमें डालते हैं और इसको 2000 घंटे या 24 महीने में, यानी हम लोग 24 मंथ या 2000 आवर पर इसको चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक ऑयल की। तो ये क्रेन में हाइड्रोलिक ऑयल की जो कैपेसिटी है वो 820 लीटर की है, यानी 820 लीटर इसमें हाइड्रोलिक ऑयल को फिल किया जा सकता है। और इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो नंबर है वो 68 नंबर का ऑयल इसमें डाला जाता है और इसको 24 महीना या 2000 घंटे, यानी 24 मंथ या 2000 आवर पे इसको चेंज किया जाता है, जिससे ये सेफ मोड में काम करता है। इसके बाद आता है हब रिडक्शन। हब रिडक्शन की कैपेसिटी जो है 1.5 लीटर है, यानी 1.5 लीटर इसमें हर एक हब में 1.5 लीटर तक ऑयल डाला जाता है और ये ऑयल का नंबर है 80W-90 का ऑयल डाला जाता है, यानी 80W-90 का ऑयल इसमें डाला जाता है और इसको हर 24 महीना और 2000 घंटा, यानी 24 मंथ 2000 आवर पे इसको चेंज किया जाता है, जिससे ये सही तरीके से काम करता है और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। इसके बाद आता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है, मतलब 60 लीटर इसमें कूलेंट डाला जाता है, जो कूलेंट का जो नंबर है SP11 नंबर डाला जाता है और इसको 24 महीना या 2000 घंटा 24 मंथ 2000 आवर पे इसको चेंज किया जाता है, जिससे ये इंजन को अच्छा कूलिंग करने में इसका अच्छा साबित होता है। इसके बाद आता है स्टेयरिंग बॉक्स। तो स्टेयरिंग बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर की है, 1.5 लीटर है और इसमें पेरलूस का H68 नंबर जो ऑयल है इसको डाला जाता है और इसको जो है इसको देखा जाता है, मतलब अपने कंडीशन के हिसाब से कितना स्टेयरिंग के प्लेइंग कैसा है वो प्लेइंग के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसमिशन ऑयल का। तो ये क्रेन में जो ट्रांसमिशन ऑयल डालने की कैपेसिटी है वो है 36 लीटर यानी 36 लीटर इसमें जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो डाला जाता है। और इसको और ये ट्रांसमिशन ऑयल का जो नंबर है वो 80W90 का डाला जाता है, 80W90 का इसमें ट्रांसमिशन ऑयल डाला जाता है। और इसको 24 महीना और 50,000 से 90,000 किलोमीटर तक यानी 24 मंथ 50,000 टू 90,000 किलोमीटर तक इसको चेंज करने का, इसका मतलब सही राइट टाइम है। तो इसको ये टाइम पे हम लोग चेंज करेंगे तो ट्रांसमिशन ऑयल जो है क्रेन का सही रहता है और क्रेन का जो डिफेंसर जो है मतलब जो गियर है वो अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। इसका मेंटेन हमेशा क्रेन का सही रखना चाहिए। तो ये तो मैं बताया 100 टन क्रेन के बारे में, जो टडानो फाउन 100 टन का क्रेन है इसके बारे में बताया। तो ये हर क्रेन का अलग अलग इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, डिफरेंसर, ट्रांसमिशन, स्टेयरिंग का, ये हर चीज़ का अलग अलग कैपेसिटी होता है। और मतलब किसी में अगर छोटा क्रेन है तो इसमें कम लीटर पड़ता है, अगर बड़ा क्रेन है तो इसमें इससे भी ज़्यादा उसमें ऑयल डाला जाता है। जैसे हाइड्रोलिक ऑयल का भी कैपेसिटी उसमें बढ़ जाता है, इंजन ऑयल की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन ऑयल की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हमारा क्रेन बढ़ते जाता है या अलग अलग क्रेनों का अलग अलग इसमें क्रेन की कैपेसिटी होती है। और ये जो ऑयल नंबर है ये भी अलग अलग होता है। तो मेरे पास कुछ नंबर्स है, ऑयल का नंबर्स है और ऑयल्स का नाम है जो कि मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। और अगर ये जल्दी जल्दी वीडियो चलता है तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा इसको स्टॉप करके और अच्छे से उसको पढ़ा कीजिए। अगर आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, तो मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो को आप लोग लाइक भी करते जाइए ताकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही और भी वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि वीडियो देखते हैं पर इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा जो है हौसला बढ़ता है और हमारे चैनल का रैंक बढ़ता है, ताकि हमें और भी अच्छा लगता है और भी मतलब हम लोग जागरूक होते हैं वीडियो बनाने में। हमें लगता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे बहुत सारे भाइयों को इससे नॉलेज भी मिल रहा है और उनको जानकारी भी मिल रही है, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि ऐसे ही जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को बात करना है या और कोई नॉलेजेबल वीडियो चाहिए क्रेन के ऊपर या और भी क्या चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए और आपके पास नॉलेज पहुँचाने के लिए।